आज की वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि कौन से मीट में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था, लोग ये जानना चाहते हैं किस मीट में सबसे ज्यादा होता है ताकि उसको हम खाएं और मसल बिल्डिंग की प्रोसेस है या वेट लॉस की प्रोसेस है उसमें मदद मिले। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जितने भी तरह के एनिमल ओरिजिन के प्रोटीन सोर्स हैं, एक फिश को छोड़ दो तो जो बाकी मीट है उनके अंदर फैट होता है और स्पेशली सैचुरेटेड फैट होता है, तो बहुत ज्यादा खाना अच्छा नहीं रहता। कोशिश ये करें जो वेजिटेरियन ओरिजिन के प्रोटीन है वो लें, या तो वे प्रोटीन ले सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले किस मीट में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है वो 100 ग्राम में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले चिकन ब्रेस्ट की बात करें तो उसमें 32 ग्राम होता है, चिकन के जो बाकी हिस्से जैसे चिकन थाई है उसमें 26 ग्राम होता है, चिकन विंग्स में 30 ग्राम होता है और चिकन ड्रमस्टिक होती है उसमें अराउंड 28 ग्राम होता है। तो चिकन में हमें ये समझ में आएगा कि जो सबसे ज्यादा ब्रेस्ट में होता है उसमें 100 ग्राम में 32 ग्राम होता है। ऐसे मटन की बात करें तो मटन के 100 ग्राम में 25.6 हो गया, मतलब चिकन से मटन में कम प्रोटीन होता है 100 ग्राम की बात करें। ऐसे ही अगर पोर्क चोप्स की बात करें, पोर्क की बात करें तो उसमें 100 ग्राम में 31 ग्राम होता है और जो बीफ है उसमें 100 ग्राम में 28.7 ग्राम हो गया, राइट। और इसके अलावा जो फिश होती है उसमें 100 ग्राम में अराउंड 23 ग्राम होता है, किसी भी तरह की फिश हो सब में अराउंड 23 ग्राम, किसी में 24 ग्राम। तो ये समझ में आ गया है कि जो मीट होता है उसमें सब में यही रेंज है 25 से लेके 30-32 की रेंज में हो गया, मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जो रियल प्रॉब्लम है मीट के साथ, इसमें फिश को छोड़ दो तो जो बाकी जो मीट है उसमें फैट होता है और फैट बेकार वाला होता है, सैचुरेटेड फैट होता है जो धमनियों में जमा हो जाता है, धमनियों को ब्लॉक करता है, हार्ट की समस्या उससे बढ़ेगी, स्ट्रोक होने की, बीपी की समस्या बढ़ेगी। इसलिए बहुत ज्यादा खाना मीट प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। दूसरा, खाने का जो तरीका है जिसमें अगर ऑयल डाल दो या इसमें बेसन लपेट के खा लो, ज्यादा ग्रेवी वाला खा लो, तो उससे फिर इसका जो कंपोजिशन चेंज होगा और जो बेनिफिट हम चाहते हैं वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो जितने भी मीट हमने देख लिए, मटन हो गया, चिकन हो गया, पोर्क हो गया, बीफ हो गया और फिश हो गया, इसमें फिश में सबसे कम है, रिलेटिवली थोड़ा सा कम है, पर फिश का जो फैट है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वगैरह होते हैं, तो वो इसलिए फिश को लेना ज्यादा बेटर है। और फिश को बिना तेल डाले भी खाया जा सकता है आसानी से, इनको भी बिना तेल के खाया जा सकता है, चिकन वगैरह को भी, पर उतना आसान नहीं रहता। तो जो आपके क्वेश्चन थे उसके जवाब है, बाकी मेरी तरफ से ये सलाह रही कि प्रोटीन के लिए या तो वे प्रोटीन लें या तो जो वेजिटेरियन ओरिजिन के प्रोटीन होते हैं, एक तो एग वाला प्रोटीन बढ़िया होता है, या फिर जो प्रोटीन जो चंग से आता है या दालों से आता है, दूध से आता है या दूध के प्रोडक्ट है उसमें से लें तो बेटर है। मीट वाले प्रोटीन उतने अच्छे नहीं रहते शरीर के हेल्थ के लिए। सो थैंक्स फॉर